अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम सब छत पे मौजूद हैं। मेरे भाइयों की जनाब छुट्टियां थी तो मैंने सोचा ज़रा इन्होंने जो जनाब ने मुर्गियां रखी हुई अलग अलग नस्लों की उस पर वीडियो बना ली जाए। तो यार बताओ यार ज़रा क्या सीन है तुम्हारा? हाँ जी भाई जान बताओ यार क्या सीन बात है। ये कौन सी ये भाई जान शामू है? उठाओ पकड़ो पकड़ के दिखाएं भाई जान। और पकड़ के देखेंगे भाई पता तो ऐसे ही चलेगा। अभी आपने मुर्गा देखना है ये उसने बड़े प्यार से पाला हुआ है इसको। इधर आओ ना इधर सामने आओ। हाँ जी दिखाओ क्या खास बात है इसमें? ये भाईजान इम्पोर्टेड नस्ल है ठीक है और खास बात ये है ये इंसानों से बातें करता है। करके दिखाओ बोलो मार भाई ये कह रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये मैंने बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से मैंने इसको पाला है ठीक है तो बड़ा बहुत मोहब्बत है मुझे इनसे। तीन है ये दो मुर्गे हैं दो वो हैं बहुत प्यारे हैं ये बस और कुछ नहीं कह रहे। और ये जनाब कुछ नहीं कह रहे बहुत यानी कि अच्छी तरह पल्ला भाई। यार और कौन कौन से हैं भाई दिखाओ तो सही यार इनके सारे देखते हैं हम क्या क्या है इनके पास। हम बैक कैमरा कर लें ताकि हम क्लियर व्यू ले सकें इनका। ये प्योर वाइट हीरा मुर्गा है ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ये हीरा मुर्गा हीरा मुर्गा। अच्छा ये भी मैंने बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से पाला है इसको भी मैंने। ये मैंने छोटा लिया है पट्ठा लिया था मैंने ये ठीक है। आप इसको देख रहे हैं इसकी ये खूबसूरती देख रहे हैं आप। ये मैंने लड़ने को बहाना और वो भी इतना सीधा हो गया सारी मुर्गियाँ खुल गई मगर सब लड़ पड़ रहे हैं। लड़ पड़ेंगे वापस वापस भाई। ये बेचारी ये इसको आप किसी दूसरी मुर्गी के साथ नहीं छोड़ सकते क्यों? मार मार के खुद ही मर जाना इतनी जहरीली है ये गंजी लड़ लड़ के ही है। देख रहे हैं आप इसको तो ये आप लड़वाते हैं खुद? मैं लड़वाता नहीं हूँ सुलह कराने की कोशिश किया तो नहीं मिला। सुलह कराने की कोशिश करें सुलह हो जाती है? किसी किसी की हो जाती है किसी किसी की नहीं होती। अच्छा ये देखिए ये तीनों कट्ठी पड़े हुए हैं चूजे थे ना ये। अच्छा अच्छा तो इन्होंने नहीं सुलह की अब क्या कर सकते ये लड़ लड़ के गंजी हुई लड़ लड़ के गंजी हो गई ठीक हो गया। इसको देख लें ये शराजी वाह वाह आजकल इधर आओ इधर आओ ये थे यानी कि ये मुर्गियां थी हमारी हमारे भाई ने ये रखी हुई हैं। आज हम के पांच नए चूजे भी लेके आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बस सही हो माशाल्लाह। एक जो है हमारा सुस्तू हुआ हुआ चूजा वो सामने जो बैठा हुआ है ये माशाल्लाह ये चूजे हैं एक ब्लैक है और चार वो हैं येलो लेबल पता नहीं लेमन ब्राउन से लेमन ब्राउन के चूजे हैं। ये एक होते हैं ना बलायती ये वो नहीं है ये लेमन ब्राउन है और लेमन ब्राउन नस्ल जो है ना वो नहीं आई है नया क्रॉस है ये तो देखते हैं ये बड़े होके कैसे निकलते हैं। है तो फार्मी ये वाले बाकी सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सील थे तो ये वाले वैरायटी हैं वो वैरायटी ये फार्मी चूजे हैं तो देखते हैं इनका क्या रिजल्ट मिलता है। वो ब्लैक वाला भी ये चार ही शार्क थे मैंने ये चारों निकाले थे इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लैक वाला एक निकाल लिया था कि चलो एक ब्लैक ले लेते हैं। आज हमारे दो तोते मर गए पर्जी एक यहाँ पे पड़ा हुआ था और एक यहाँ पे पड़ा हुआ था उसका शॉट लेने से पहले ही पापा ने जो है वो निकाल दिए यहाँ से तो बाकी सही सलामत है। दोनों इकट्ठे मरे थे दोनों एक ही जगह पे पड़े थे एक इस पिंजरे में यहाँ पर पड़ा हुआ था दूसरा इस पिंजरे में भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। इन दोनों पिंजरों में स्वेन की कॉलोनी है हमने यहाँ पे कूलर लगाया हुआ है बड़ा परफेक्ट करके ताकि जो है इनको गर्मी कुछ तंग ना कर सके गर्मी का मौसम में बहुत डिस्टर्ब होते हैं परिंदे। ये जनाब ये भी एक नई नस्ल है चूज़ों की ये भी भाई ने रखे हुए हैं नाइस। ओके यार अल्लाह हाफिज़।